देखिए कि मासूम बच्चे किस तरह हमारे मार्गदर्शन का प्रयोग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, क्या हुआ है? आप रोक। अरे ये तो बहुत गंभीर समस्या है, इसके बाद की दुकान निकालनी पड़ेगी आपको। इसका कोई और हाल नहीं, बस यही हाल है। नहीं फिर भी कोई हाल होगा, आपकी दुकान निकालनी पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर कुछ करें वो दाल और आप। बड़े फुर्तीले कंपाउंडर साहब है, क्या बात है जी। अल्लाह ताला मजीद अब डॉक्टर साहब फाइनल राउंड में दाल निकालने के लिए खुश हैं। उनका मखसूस अंदाज रखे गए दाल निकालने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके साथ हथौड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। उठिए उठिए फौजी साहब, उठिए जी, आपकी दाल निकल गई है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके अब अपना मास आता है, हमारा कोई चीज नहीं है। नहीं फिर भी आप बताएं, आपने मेरा इलाज किया है। आप हमारे मुल्क के महान नमाज कैसे देख सकते हैं? गुड राइट, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया। एक और मरीज जाने के मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आराम कर रहे हैं, क्या मसला है? मेरे नवाब साहब के पेट में दर्द है। आप जाके उसे नवाब साहब को ले आइए। आपकी बात है। हाँ ले आइए। नवाब साहब उठ दो। अब नवाब साहब अपने मुलाजिम का सहारा लिए गिरते पड़ते डॉक्टर साहब के मजलूम पेश होने आ रहे हैं। वो तो नवाब साहब रास्ते में ही तड़पने लग गए, अल्लाह ख्याल फरमाए। अब उन्हें उठाकर कंपाउंडर की मदद से स्टेटर पर लटकाया गया है और मजीद कार्रवाई देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है आगे। नवाब साहब से अब आप हो गए, अल्लाह उन्हें हमें जिंदगी दे।
आपने मेरी जान बचाई है, बताओ मैं आपके लिए क्या खिदमत कर सकता हूं। जिंदगी है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया है। फिर भी बताएं, अगर आप कुछ कर सकते हो तो ऐसे इदारे खोल कीजिए जहां पे बच्चे गरीब है, उनके पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मास्टर साहब ने मेहनत करके 1000 रुपए इंजीनियर बड़े बड़े आलिम बने हैं। अगर आप कुछ कर सकते हो तो उन इदारों खोल कीजिए, जैसे इस इदारे से डॉक्टर मोहम्मद हाफिज सरदार डॉक्टर बने हैं। ये तो एक ड्रामे का नवाब था जिसने इस इदारे के लिए 1000 रुपया दिया। अब असल नवाब तो ये बैठे हैं, असल नवाब तो ये बैठे हैं।